हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम विद काजोल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से टिक्की। आप बचे हुए चावल की ऐसी रेसिपी देखकर कभी भी बचे चावल को फेंकेंगे नहीं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने लिए 4 उबले हुए आलू। अब इन सबको छील लेंगे। ये मैंने आलू छील लिए हैं, अब इनको हम मैश कर लेंगे। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब इस पर डालेंगे हम एक कटोरी जो हमारे बचे हुए चावल थे। अब इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पर डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 3 से 4 कटे हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती। अब इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इससे हम बनाएंगे टिक्कियाँ। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने सारी टिक्कियाँ बनाकर रख ली। अब हम एक गैस पे तवा चढ़ाएंगे। अब इस पर डालेंगे हम 1 चम्मच तेल और हमारी जो टिक्कियाँ बनी हुई हैं इनको हम इस पर रखेंगे और इनको अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे। इनको हमें एकदम अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकना है। ये देखिए टिक्कियों का कितना अच्छा कलर आया हुआ है। इस तरह हम सारी टिक्कियां सेक कर रख लेंगे। ये मैंने एक प्लेट पे 2 टिक्की रख ली। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा दही। इस पर डालेंगे 1 से 2 चम्मच इमली की चटनी। अब इस पर डालेंगे हम पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक स्वाद अनुसार। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। ये हमारी टिक्की बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम सर्व करेंगे। आई होप आपको टिक्की की रेसिपी पसंद आई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।